नीलम करने वाली है सारी हदें पार। यहाँ पे लक्ष्मी को तो घर से निकलने के लिए कहती है, साथ साथ लक्ष्मी की बहनों को भी खूब खरी खोटी सुनाती है और रानो चाची को भी कहती है कि इस घर से जल्दी बाहर निकल जाए। अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा रानो चाची यहाँ पे लक्ष्मी की सपोर्ट करती हुई नजर आएगी और लक्ष्मी से कहती कि लक्ष्मी रीजन बता दे किस वजह से तू घर छोड़कर जा रही है, अगर तू रीजन नहीं देगी तो सारा का सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। ये लोग तो अमीर लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जैसे गरीब को कौन पूछेगा, कौन करेगा तुमसे दूसरी शादी। रानो चाची यहाँ बार बार लक्ष्मी से कहती रीजन बता दे, पर लक्ष्मी नहीं बताती है। फिर रानो चाची कहती कि तुझे घर छोड़ के जाना तो ठीक है, लेकिन मैं सबको दिखा देती हूँ कि तुम्हारे बैग में क्या है। रानो चाची लक्ष्मी का बैग खोल कर दिखाती है, उसमें बस पुरानी साड़ियाँ होती और कुछ भी नहीं होता, बस ऋषि और लक्ष्मी का एक फोटो फ्रेम होता, जिसको देख कर रानो चाची गुस्से में आ जाती है और कहती क्या जरूरत है तुम्हें इस फोटो फ्रेम की, और उसे उठाकर फेंकने वाली होती है। लेकिन लक्ष्मी रोक लेती है और कहती ये फोटो फ्रेम आप नहीं फेंकेंगी, और लक्ष्मी उन्हें रोक लेने वाली है। वहीं पर नीलम चीख चीख कर चिल्लाती और कहती जल्दी से जल्दी तुम लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, लक्ष्मी अशुभ है और हम इसे इस घर में और रहने नहीं देंगे। तभी यहाँ पे लक्ष्मी की बहन भी लक्ष्मी का सपोर्ट करती है और कहती है कि मेरी दीदी अशुभ नहीं है, मेरी दीदी शुभ है, तभी तो आपके बेटे की जान इतनी बार बचाई, नहीं तो आज आपका बेटा आपके साथ नहीं होता। तभी नीलम कहती है लक्ष्मी को कि अपनी बजवान बहनों को घर से लेकर निकल जाओ, मुझे तुम्हारी बहनों की शक्ल नहीं देखनी है। तभी रानो चाची कहती है आप किस तरह की बातें कर रही है, आप इस तरह से कहेंगे हमारी बच्चियों को। तभी वहाँ पे वो रानो चाची से भी बहस लगाने लगती है, रानो चाची काफी गुस्से में आ जाती है और तभी वहाँ पे नीलम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहती है तुम सब जल्दी से घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं बहुत बुरा हाल कर दूंगी। तभी रानो चाची भी वहाँ पे चुप नहीं रहती और नीलम को अच्छे से जवाब देने वाली है।